कहा जाता है कि इंदौर चटोरों का शहर है और इस शहर के अंदर छप्पन और सराफा जैसी स्ट्रीट फूड सेंटर बने हुए हैं। वहीं छप्पन हम देखें तो छप्पन पर हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर हमेशा आती थी, हमेशा इस भीड़ ने यहाँ पर स्वाद चखा है। लेकिन कोरोना काल में पिछले 72 दिनों से यह पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 56 दुकान है, किसी वक्त यहाँ पर लोगों की भीड़ परिवार सहित यहाँ पर एंजॉय करती थी। इंदौर ही नहीं, देश के कई शहरों से लोग यहाँ पर सिर्फ स्वाद चखने आते थे। यहाँ का स्वाद पूरी विश्व में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ के स्वाद को कोरोना ने फीका कर दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने कहीं इस चीज को देखते हुए यहाँ के कुछ दुकानदारों को परमिशन दी है कि वह इंदौर के लोगों के लिए कम से कम स्वाद घर तक पहुँचा सके। कुछ मिठाइयाँ नमकीन वगैरह के लिए यहाँ के कुछ दुकानदारों को परमिशन दी है कि वह घर पहुँच सेवा देते रहे, जिससे कि लोगों को यहाँ का स्वाद मिलता रहे। बात करते हैं हम छप्पन के मधुरम स्वीट्स के ऑनर से। बाऊजी जी, क्या रहा स्वाद इन 72 दिनों तक, अब लोगों तक पहुंचाने की कैसे कवायद चालू हुई? 72 दिन जो है कोरोना के उसमें सब बैठे हुए थे घर में। अब उसके बाद हमारे कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार हम लोगों को इजाज़त मिली है। आपका जो रॉ मटेरियल बनाते हैं नाश्ते का, मिठाई नमकीन जो भी बनाते हैं, उसको हम लोग जो है पाउच पैकिंग करके घर घर भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जोमेटो के माध्यम से हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है, गाड़ी घोड़ों के हिसाब से घर बैठे सेवा जा रही है। अभी हमने 56 खोला नहीं है, और 56 खोलने की अनुमति कलेक्टर महोदय जब देंगे, जब करेंगे, अभी हमारे किचन से रॉ मटेरियल पैकिंग करके दे रहे हैं। मिठाई नमकीन सभी प्रकार के जो नमकीन है, नाश्ते की जब भी पूरी हमारी सेवा है वो घर घर भेज रहे हैं। जलेबी पोहा कचौरी जोमेटो के माध्यम से भी, हमारे दुकान के आदमी के माध्यम से भी जा रहे हैं। अभी घर बैठे सेवा दे रहे हैं, और आगे चल के कलेक्टर महोदय का जब आदेश होगा हम लोग 56 खोलेंगे, और कानून के माध्यम से नियम के अनुसार 56 खुलेगा, सभी व्यवस्था चालू होगी, पर थोड़ा समय लगेगा। क्या व्यवस्थाएं आपने करी है, क्योंकि अब जो है सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे मेन रहेगी, और दूसरा ये कि किस प्रकार से आपके वर्कर सैनिटाइज करके और किस तरह से दूरी बनाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, किस प्रकार से दूरी बनाकर उन लोगों को आप वर्कआउट कराएंगे, क्योंकि लोग पोहे जलेबी और मिठाई के बहुत ज़्यादा यहाँ पर 56 पे आते थे। अब भीड़ कम है, भीड़ नहीं है, तो उनके घर तक की सेवाएं किस प्रकार से होगी? अभी जलेबी पोहा हमारे जो आदमी बना रहे हैं, मास्क लगा के बना रहे हैं, सैनिटाइज करके दे रहे हैं, सब पैकिंग सैनिटाइज हो रहा है, सब पूरी पैकिंग व्यवस्था इस ढंग से सैनिटाइज हो रही है, ताकि कस्टमर को भी तकलीफ नहीं आए, हमारे दुकान को भी नहीं आए, हमारे आदमियों को भी नहीं आए। जलेबी पोहा कचौरी समोसा पेटिस हमारी विजय चाट का भी बन रहा है, हमारे गुंजन का बन रहा है, और विजय हमारे जो जानी हाथ डाक भाई हैं उनका भी सब पैकिंग इसी ढंग से है। पूरा 56 का 5-7 दुकानों को हम ऑथराइज करा है, सबका पैकिंग पाउच जा रहा है, सैनिटाइज करके जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का जनता को हानि नहीं हो। जनता का पूरा स्वच्छता का ख्याल रखते हुए सब स्वच्छता के हिसाब से जा रहा है। आदमी बार बार साबुन से हाथ धो रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, सैनिटाइज की व्यवस्था ग्राहक के लिए भी रखी, ताकि ग्राहक कभी लेने भी आए तो उसको हाथ धुलवाया जाए। आगे की व्यवस्था भी हमने बरकरार चालू कर दी है। अभी आप पैकिंग में क्या क्या सामग्रियाँ दे रहे हैं, मतलब के स्वीट्स में और जी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अपनी इंदौर की प्रख्यात है? लौंग की सेव, उज्जैनी सेव, खट्टा मीठा मिक्सचर, गांठिए, जितने इंदौर के नमकीन बनते हैं सभी का पैकिंग अवेलेबल तैयार है, सबको पैकिंग करके ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार भेजा जा रहा है। मिठाई में हमारी मोहन थाल, बालूशाही, मोतीचूर लड्डू, खोपरा पाक, मिल्क केक, काजू कतली, बादाम बर्फी अवेलेबल है, और उसी रेगुलर बना रहे हैं, ताज़ा बना के उसी हिसाब से पैकिंग करके बाकायदा जा रही है। ये हमारी पूरी व्यवस्था पैकिंग में जा रही है। इसके अलावा दादा यहाँ बात की जाए मिठाइयों के अलावा जो जॉनी हॉट डॉग वगैरह हैं जी, यहाँ पर कितने लोगों की तादाद लगभग आती थी कोरोना काल के पहले जी, और जी, अभी आर्डर में क्या फ़र्क पड़ा है इन सब चीज़ों को लेकर? कोरोना काल के टाइम तो कम से कम पब्लिक 4-5 हज़ार रोज आती थी, और 56 का लुप्त उठाती थी, शिकंजी, रसमलाई,
रबड़ी, पेटीज, जलेबी, पोहा, कचौरी, छोले भटूरे, छप्पन की जो प्रख्यात चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, बेंजो है, पेटीज है, सब प्रेम से खाते थे, इंजॉय करते थे। वो दिन आने में टाइम लगेगा। हाल फिलहाल पब्लिक 25-30% इसका लाभ ले रही है, क्योंकि दो दिन चालू हुआ, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा बराबर। मालूम पड़ते ही व्यवस्था और बढ़ेगी, हम भी हमारी व्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी शुरुआत हुई, दो दिन हुए हैं, तो शुरुआत के हिसाब से 25-30% बराबर है। निगम ने लाखों रुपया यहाँ की साज सज्जा पे लगाए थे जी, वहीं दुकानदारों ने भी लाखों रुपया खर्च करके यहाँ साउंड सिस्टम लगाए थे जी। उन सब व्यवस्थाओं को वापस चालू करने में और उन लोगों के यहाँ पर आने में अब समय है, इन व्यवस्थाओं की चाक चौबंद जो व्यवस्था है, क्या गार्ड वगैरह लगा रखे हैं आपने, क्या व्यवस्था कर रखी, क्योंकि लोग अब यहाँ पर आ तो नहीं रहे लेकिन कोई नुकसान ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, साफ सफाई बराबर चल रही है, दुकानों की सफाई हो गई है, गार्डन बिल्कुल साफ सुथरा कम्प्लीट है, झाड़ भी बराबर हैं, यहाँ गार्ड भी है, माली भी आके देख रहा है, पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से गवर्नमेंट की तरफ से भी बराबर चल रही है, हमारे दुकानदार भी देख रेख कर रहे हैं, कोई व्यवस्था में कमी नहीं आई है, व्यवस्थित है, अच्छा है, सुंदर है, और सुंदर जो कमी बढ़ गई उसको भी सुधार करवाएंगे, करेंगे हम लोग मिलके। आपका नाम? श्याम शर्मा, मधुरम स्वीट, छप्पन दुकान, इंदौर। तो देखना आपने, श्याम जी मधुरम स्वीट्स वालों ने यहाँ पर व्यवस्थाओं का बताया कि किस प्रकार से गार्ड तैनात कर रखे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी हैं इन लोगों ने। पूरे अपने रेस्टोरेंट के अंदर अगर आपको बताएं तो पूरे रेस्टोरेंट में इन्होंने सैनिटाइज जैसी व्यवस्थाएं, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से रख रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ये लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को इस चीज़ की कोई दिक्कत ना रहे कि सामान पूरा सैनिटाइज रहे, खाने की व्यवस्थाएं पूरी रहे। स्वेगी के माध्यम से ये सारा मटेरियल लोगों के घरों तक पहुंचा रहा है। छप्पन का आकर खाने का जो स्वाद आता है वो स्वाद अभी नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ की चीज़ें हैं उसका स्वाद घर बैठे ले सकते हैं आप लोग। यही इन लोगों की एक वो है, जो बातों समझ में आई है कि कुल मिला के लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा, स्वाद छप्पन का आपको आपके घर तक ही मिलेगा। मैं शैलेंद्र कश्यप, कैमरा पर्सन रवि के साथ, छप्पन दुकान, इंदौर से।